आज छात्रों के साथ बदसलूकी करने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ने वाली छात्रा नीतिका अवस्थी बहराइच जिले की रहने वाली थी। वो सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी लक्ष्मबर बझा में जीएनएम की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा थी। स्कूल में बने हॉस्टल में रहती थी, लेकिन फीस जमा नहीं होने के कारण स्कूल के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। उसने आरोप लगाया कि हम अकेले अपने कमरे में थे। अनमोल श्रीवास्तव और अरुण कुमार अपने तीन साथियों के साथ आए और मुझसे बदसलूकी की और बाहर निकाल दिया। फीस के लिए ऐसा कृत्य करना एक शिक्षा विभाग पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या स्कूल बिजनेस हो गया है? हाथ में बच्ची को निकाल दिया। मैं रामनगर में था जब इसने फोन किया। मैं रामनगर से आया हूँ, इनसे बात की है। जब इनसे बात की तो ये जो है बहुत अभद्र बात कर रहे थे। ये बोले थे गुंडे मवालियों को बुलाए हो, किसको बुलाए हो, कैसे क्या है। और इनका एक लड़का है, उसका पता नहीं अनमोल नाम है या अमृत नाम है कोई, वो बहुत बदतमीजी बात कर रहा था। तो फिर भगा दिए, हम लोग चले गए। फिर जब गए तो इससे डीएम साहब को फ़ोन करवाया, फिर कप्तान साहब को करवाया, उसके बाद 112 कराई। 112 करा के फिर भूजा के हाथ पकड़ के झुटकते हुए बाहर लेके आए। कहे इस कमीनी को निकालो, जब इसकी औकात नहीं है पढ़ने की, यहाँ तो ये पढ़ती है। गरीबी, जब इतनी गरीब है तो क्यों पढ़ रही है। उसका लड़का भी बहुत बदतमीजी से बोला और बेतू करके बात कर रहा था कि गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहा था। गाड़ी भी रखी मेरी गाड़ी, जो एचओडी सर है अमरेंद्र का, उन्होंने मेरे भाई से चाबी छीना, जबरदस्ती चाबी छीना उसके हाथ से और गाड़ी अंदर कर दी। उसके बाद अपनी लड़की से मिलने और फीस की कुछ बात चल रही थी। तो शाम को हम आए तो मैडम से बात हुई हमारी, 5:30 बजे के बाद आसपास हमारी बात हुई मैडम से। फिर हम बातचीत करके चले गए। हमने कहा ठीक है मैडम, आपका थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था कॉलेज का, तो इसीलिए हम जो है नहीं फीस आपकी दिए और हॉस्टल की दे रहे हैं। तो ठीक है हम जा रहे हैं। और जाके अपना और चेयरमैन साहब भी उल्टी सीधी बातें करने लगे, बच्चे से कहने लगे अबे स्कूल आके बात करो। जब फ़ोन पे हम लोग बात करते तब भी नहीं अच्छे से ये लोग बात करते हैं। फिर हमने कहा कोई तो मैडम आपका मेन हो जो बात करे, बच्चा हमारा पढ़ा है। और फिर हम चले गए रामनगर, रामनगर तक पहुँच गए, बहराइच के लिए निकल गए। बस ये बच्ची फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन की, मम्मी हमको निकाल दी। हमने कहा कि अरे मम्मी आ जाओ, नहीं तो ये लोग अंदर नहीं जाने देते हैं, यहीं इसको खड़े किए थे। तो हमने कहा मैडम ये कौन सी बात है आपकी, मतलब आपसे जो हमारी बात हो गई थी तो बच्ची को क्यों निकालेगा, निकालना था तो हमारे सामने निकाल के हम लेके जाते, बच्ची कहाँ जाए। तो कहीं अब तो आप आ गई हैं, अब आप लेके जाओ। हमने कहा हम नहीं ले जाएंगे, उसको पढ़ाएंगे यहीं, हम भी बैठे रहेंगे, कहीं आप बैठे रहिए। फिर हमने कहा ठीक है मैं भाई, आप इसको जाने दीजिए अंदर और इसको खाना कर दे दीजिए, हम जो है बैठे बात करके जाएंगे, भाई भी हमारे आ जाएंगे बात कर लेंगे। मैंने एक गुंडा मवाली को बुलाओगी, गुंडा मवाली को गाड़ी साले की रखो, गाड़ी साले की रखो, और अंदर गाड़ी कर दो, उसके सामने अपनी भी गाड़ी लगा देते हैं हम लोग। हमने कहा मैडम आप लोग जाइए, हम आराम से रिलीफ से बात कर लेंगे। और रात में आपकी बेटी को निकाला गया, हाँ तो हमने कहा बच्ची कहाँ जाती, अगर वो माँ से कह रही मम्मी अगर आओगी नहीं तो हम क्या करेंगे, हमको आ जाने नहीं, तो क्या गलत की उसने, कहाँ वो फ़ोन करती। जब हम आए तो उसको घेरे हुए खड़े थे ये लोग। हाँ रात में निकाला, इसको निकाले थे हम, हमें लग रहा कि रात में 7-8 बजे निकाले हैं इसको।